जय श्री राधे राधे मित्रों। मित्रों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार भजन कीर्तन और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबके सामने पंडित प्रमोद शुक्ला। मित्रों आज बहुत प्यारी सी जानकारी देने जा रहा हूँ। 4 सितंबर को यानी अभी एक दिन पहले 4 सितंबर को बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं उन्होंने वक्री चाल अपनाया है। 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। इस वक्री अवस्था में कहा गया है कि 12 साल के बाद 12 वर्षों के बाद ये मेख राशि में वक्री हुए हैं। 12 वर्षों के बाद गुरु जब मेख राशि में वक्री होते हैं तो कुछ राशियों को शुभ लाभ देते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे अवसर देते हैं। तो मित्रों मेख राशि में गुरु का वक्री होना मेख राशि के जातकों को शुभ परिणाम देने वाला है। उनके रुके हुए कार्य जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे, अटके हुए थे, उनके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। और मित्रों मेख राशि के जातक यदि कोई नया व्यापार करना चाह रहे थे तो इस अवधि में वो अपना नया व्यापार कर सकते हैं और उन्हें कोई ना कोई शुभ समाचार इस अवधि में अवश्य प्राप्त होगा। और मित्रों जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उनको भी सफलता मिलने के योग हैं। और मित्रों मेख राशि के जो जातक हैं उनको अपने माता पिता का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। उसके बाद दूसरी राशि है मित्रों सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को गुरुदेव शुभ देने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं। उनका कोई कई वर्षों से जो कार्य उनका रुका हुआ था इस अवधि में उनका ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। जो लोग व्यापार की शुरुआत करने की सोच रहे थे और उनको नुकसान हुआ था इस अवधि में उनको लाभ अवश्य होगा। और सिंह राशि के जातकों को संतान की प्राप्ति होगी और सिंह राशि के जातकों को कोई न कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। ये यदि भूमि लेना चाह रहे थे तो सिंह राशि के जातक इस अवधि में अगर भूमि लेने की सोच रहे हैं तो उनकी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और मित्रों जो लोग नौकरी में अग्रसर हैं उन्हें अवश्य मिलेगी, वो कार्यरत रहें। और जो लोग कार्यरत हैं उनकी पदोन्नति होने के भी चांस दिख रहे हैं। और मित्रों तीसरी राशि है मीन राशि। मीन राशि के जो जातक हैं वो जरा सोच समझ कर काम करें, अपने क्रोध पर काबू रखें, गुस्से पर काबू रखें, उन्हें अवश्य लाभ होगा। गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। मीन राशि के जातक यदि कोई नया व्यापार करना चाह रहे हैं तो अभी वो रुक कर करें, थोड़ा सा काम उनका भी होगा। मीन राशि के जातकों को बृहस्पति लाभ देगा लेकिन अभी उनका समय सही नहीं है, अभी उन्हें नुकसान हो सकता है। और जिन मीन राशि के जातकों के जन्म समय के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार शुक्र ग्रह 5वें स्थान पर है और बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं, उनको संतान की प्राप्ति होगी, संतान उन्हें अवश्य मिलेगा। जिन लोगों के अभी तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है इस अवधि में पुत्र प्राप्ति के चांस दिख रहे हैं। तो मित्रों ये छोटी सी जानकारी अगर आपको मेरे द्वारा दी गई पसंद आई हुई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सदा सुखी रहो। हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे।